Hello students, how are you? Fine. Then today students we are going to study about the graph. कि graph क्या होते हैं, graph का क्या use है, वो हमें किस type से help करते हैं किसी भी quantities के relation को समझने में. तो आज के इस lecture में basically हम graphs के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं graphs के बारे में. graphs होते क्या हैं? तो graphs के बारे में पढ़ेंगे. graph is a line which may be straight or कर्व. तो ग्राफ लाइन है जो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है. विच शोज द वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी एंड बोथ ऑफ दिस क्वांटिटीज आर इंटरलेटेड विद ईच अदर. तो ये क्या करती है, हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, उन दो क्वांटिटीज की वेरिएशन को बताएंगी. मान लीजिए इस साइड हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको हम वाई से नोट कर देते हैं. तो अब देखिए हमारे पास दो क्वांटिटीज है एक्स एंड वाई. तो ग्राफ क्या करेंगे, इन दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को बताएंगे कि रिलेशन क्या है, ये कैसे वेरी कर रही हैं, कैसे वेरी कर रही हैं. तो एक ग्राफ बताएगा, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और इस डेफिनेशन को हम दोबारा करेंगे एक बार लास्ट में, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी. अभी तो शायद समझ में ना आ रही हो कि ये दो क्वांटिटीज का रिलेशन कैसे बताएगी. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको सबको समझ में आता जाएगा. तो बेसिकली हमारे पास दो क्वांटिटीज है एक्स एंड वाई. तो ग्राफ क्या करते हैं, इन दो क्वांटिटीज जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उन क्वांटिटीज को क्या करेगा, उनके बीच में रिलेशन बताएगा. ग्राफ क्या बताएगा, रिलेशन की वाई कैसे वेरी कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में. अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल. तो वेरिएबल भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं. कौन कौन सा वेरिएबल, एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कौन सा, इंडिपेंडेंट, जो डिपेंड नहीं करता है दूसरी क्वांटिटी के ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये वेरिएबल डिपेंड नहीं करेगा दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो एक्स एक्सिस होता है मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं. किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट, जो कि दूसरे वेरिएबल के वेरिएशन के ऊपर डिपेंड रहेगा. अगर दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो जाएगा, मीन्स डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है. तो हम क्या करते हैं, जनरली डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसको हम वर्टिकल लाइन से शो करते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल को हम बच्चों वर्टिकल लाइन से शो करेंगे. तो दो टाइप के वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल का समझते हो, हमने बार बार जिक्र किया है, तो होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू, जो कॉन्स्टेंट रहे. जैसे टू है, तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहेगा. आप कहीं पे किसी भी इक्वेशन में यूज कर लीजिए, टू की वैल्यू टू रहेगी, वो कॉन्स्टेंट है, कभी चेंज नहीं होने वाली. एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल का मीन्स ये होता है कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी टाइम के साथ. मीन्स जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख दूं आपको, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव, ये इक्वेशन है. यहाँ पर एक्स की वैल्यू अलग है, वाई की वैल्यू अलग है. अगर मैं इक्वेशन को चेंज कर दूं, यहाँ पर मान लो ये इक्वेशन कर दूं, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना. तो दोनों केसेस में एक्स की वैल्यू सेम तो नहीं रहेगी, तो इक्वेशन के साथ टाइम के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो वेरिएबल है ये, मीन्स चेंज हो सकता है बट कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होगा. तो वेरिएबल क्या है, दो टाइप के हैं, एक तो इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. ग्राफ के केस में तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड ना करे, ठीक है, मीन्स अपनी मर्जी से एल्टर होगा, एट विल एल्टर होगा, चेंज होगा. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा बच्चों, दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा. तो इसको भी हम समझेंगे. तो अब देखिए ग्राफ की शेप्स क्या है, कैसे ग्राफ की शेप है उसको हम स्टडी करेंगे. तो देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ किस टाइप से हो सकते हैं. तो पहले हम इक्वेशंस देखते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो सकती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री. तो ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की. तो किसकी इक्वेशन हो चाहिए, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. और m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है स्लोप, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ना, m स्लोप है. यहाँ पर c क्या है, कॉन्स्टेंट, c क्या है, कॉन्स्टेंट. और x एंड y क्या है, वेरिएबल्स है. तो x y क्या है इस इक्वेशन के अंदर, वेरिएबल्स है. कैसे वेरिएबल है, ये वेरिएबल्स है. तो अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर x क्या है, इंडिपेंडेंट, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब x की वैल्यू चेंज करेंगे तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, y की चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू चेंज करते ही. तो y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल. y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल. इतनी बात समझ में आएगी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तो समझ में आ गया होगा. x यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, मीन्स x की वैल्यू को चेंज करेंगे तो कौन सी वैल्यू चेंज हो जाएगी, y की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पर. तो x क्या है बच्चों, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और y कैसा है,
डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप देखिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंट टाइप से स्टडी करेंगे कि कैसे कैसा ग्राफ बन सकता है इस इक्वेशन से। तो ये इक्वेशन बेसिकली क्या कर रही है, रिलेशन तो शो कर रहे हैं दो वेरिएबल का, कौन कौन से वेरिएबल है एक्स और वाई। तो ये रिलेशन ही तो शो कर रही है कि वाई किसके इक्वल है, एम एक्स प्लस सी के इक्वल है। तो आप ग्राफ से कैसे रिलेशन शो करेंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस इक्वेशन से, क्या आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी ना, क्योंकि इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो आप देखिए इस इक्वेशन को हम डिफरेंट टाइप से कैसे स्टडी करें। हम मान लेते हैं, पहला केस समझे लेते हैं यहाँ पर, इफ x इज इक्वल टू जीरो, x क्या हो यहाँ पर जीरो के इक्वल हो, x क्या हो जीरो के इक्वल हो। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर अगर x हमारा जीरो के इक्वल है, इफ x इक्वल टू जीरो देन y किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा, मीन्स y जीरो नहीं होगा यहाँ पर, y जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि y की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि कॉन्स्टेंट होगी। यहाँ पर मान लीजिए हमने इक्वेशन में लिया है वाई एम एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर y की वैल्यू टू आ जाएगी। अगर y हमने लिया है mx प्लस वन, तो यहाँ पर वन आ जाएगी। तो जो भी वैल्यू है c की उसके ऊपर जो है y की डिपेंडेंट है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर y क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, y की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, मीन्स ओरिजिन से तो शुरू नहीं होगा। अगर यहाँ पर c की वैल्यू जीरो हो जाए तो ओरिजिन से शुरू होगा, बट अगर c की वैल्यू जीरो नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ c इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे क्या है, c जीरो के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसे होगा, देखिए उस केस में हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, बट ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर हमारे पास किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा, ये हमारा ग्राफ होगा। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, y is equal to c, तो c की जो भी वैल्यू है यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, c वैल्यू से स्टार्ट होगा, कॉन्स्टेंट की जो भी वैल्यू होगी उससे स्टार्ट होगा। मान लीजिए 2 है तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का हमारे पास ग्राफ आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रिलेशन शो कर रहा है किस किसके बीच में, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ग्राफ हमारे पास रिलेशन शो कर रहा है कि y और x दो वेरिएबल है उनके बीच में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टाइप का ग्राफ है जो हमने प्लॉट किया है। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो एक तो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, और दूसरी बात ये है कि x जब जीरो है तो y जीरो नहीं होगा। तो एक टाइप का तो ग्राफ ये हो गया बच्चों। दूसरा मान लीजिए कि अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पे वैल्यू किससे शुरू हो जाती, माइनस से शुरू हो जाती वो, तो ठीक है अगर माइनस में होता ना तो माइनस में शुरू हो जाती, c की वैल्यू माइनस होती तो। अब देखिए कि x की वैल्यू जीरो है तो y की हमारे पास मान लीजिए c वैल्यू आई है, तो यहाँ पे हम दूसरी वैल्यू देखते हैं। अगर c की वैल्यू जीरो है, इफ सेकंड केस हम लेते हैं, इफ c इज इक्वल टू जीरो, तो c अगर जीरो है तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू mx। क्या इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू mx। अब y इज इक्वल टू mx है, मींस y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और स्लोप के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि स्लोप कैसा है। तो हमारे पास इस केस में जो y की वैल्यू है वो है mx। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ग्राफ है और जो हमारी लाइन है वो कहां से पास आउट होगी बच्चों, ओरिजिन से पास आउट होगी। कहां से पास आउट होगी, ये ओरिजिन से पास आउट होगी इस केस में, ठीक है। तो हमारी लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी, y is equal to mx, कॉन्स्टेंट क्यों है जीरो है। अब आप कहेंगे सर ओरिजिन से कैसे जाएगी, ये हम कैसे कह देंगे ओरिजिन से जाएगी, वैल्यू पुट करके देखो ना यहाँ पर। अगर ये इक्वेशन है c जीरो है तो इस केस में x जीरो होगा तो y भी तो जीरो होगा। इसका मतलब अगर x जीरो है तो y भी तो जीरो, तो कहां से शुरू हुआ हमारा ग्राफ, ओरिजिन से तो शुरू हुआ। अगर x वन है तो y क्या होगा, वन होगा यहाँ पर। अगर x वन है तो y भी क्या होगा, वन होगा यहाँ पर, बट ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर हमारे स्लोप के ऊपर। अगर स्लोप वन है इस केस में तो वन होएगा, ठीक है। तो स्लोप के ऊपर भी डिपेंड करेगा हमारे पास, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास स्लोप की वैल्यू वन है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू वन। अगर हमारे पास m की वैल्यू भी वन है तो y की वैल्यू भी वन होगी। तो एक ओरिजिन से पास करेगा, पर स्लोप अलग अलग हो सकता है। m की वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, m की वैल्यू हमेशा तो वन नहीं होगी, स्लोप की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट लाइन हमेशा स्ट्रेट रहेगी, लाइन हमेशा ही स्ट्रेट रहेगी। तो अब आप कहेंगे सर स्लोप की वैल्यू वन कैसे मिलेगी, इस केस में स्लोप ये है हमारे पास, एंगल हम थीटा दे देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये एंगल कैसा है, थीटा है। तो अब देखिए स्लोप की वैल्यू कुछ ये भी हो सकती है कि ओरिजिन से ही पास आउट होए, पास कहां से होए, ओरिजिन से होए, बट अब ये हमारे पास चेंज हो सकता है। तो देखिए पास तो हमारे पास ही ओरिजिन से ही हो रहा है ना, बट यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल की वैल्यू चेंज हो गई, स्लोप की वैल्यू चेंज हो गई। या फिर हो सकता है कि लाइन तो स्ट्रेट ही रहे और ओरिजिन से ही पास करे, बट इस टाइप से वो लाइन हमारी, तो इस टाइप से भी लाइन हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल चेंज हो सकता है। इस केस में आपने देखा जो थीटा एंगल है, इस केस में ये थीटा एंगल है, ये डिफरेंट है ना, इसको थीटा टू कह रहे थे, इसको थीटा वन।
तो ये डिफरेंट है, तो इस केस में स्लोप की वैल्यू डिफरेंट है, इस केस में क्या है स्लोप की वैल्यू डिफरेंट है, तो यहाँ पर एम की वैल्यू डिफरेंट है, बट हमेशा ही लाइन अगर से जीरो है तो कहां से पास आउट करेगी, ओरिजिन से पास आउट करेगी, बट एम की वैल्यू यहाँ पर वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है। तो इतनी बात समझ में आ गई आई थिंक आपको कि स्लोप की वैल्यू चेंज हो सकती है और ओरिजिन से पास आउट करेगा अगर हमारी सी की वैल्यू कैसी है, अगर हमारी सी की वैल्यू जीरो है तो उस केस में स्लोप कहां से पास आउट होगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया, तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने कहा कि y इक्वल टू एम एक्स है, इस टाइप का एक और ग्राफ मैं आपको बताऊंगा जो आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जिसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ रहा है ना कि y इक्वल टू एम एक्स है, तो हम ये कह सकते हैं कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, है ना, हम ये बोल सकते हैं ना y इक्वल टू एम एक्स है, तो इसका मतलब m क्या है यहाँ पर, m तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट रहेगा, क्या रहेगा कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, तभी तो लीनियर ग्राफ आ रहा था हमारा जो कि ओरिजिन से पास हो रहा था, तभी तो लीनियर ग्राफ आ रहा था ना, m तो हमारा कॉन्स्टेंट है, तो इस टाइप का एक ग्राफ होता है बच्चों जो आपने पढ़ा होगा वी इक्वल टू आर आई, इस टाइप से पढ़ा है, ओम्स लॉ के इक्वेशन है, कौन सा लॉ है ये ओम्स लॉ, कौन सा लॉ है ये ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ की, तो आपने इस टाइप का ग्राफ पढ़ा और देखा होगा प्लस टू वालों ने तो शायद पढ़ लिया होगा, बट प्लस वन के अंदर या नहीं टेंथ प्लस वन के अंदर, बट आई थिंक ये नाइन्थ और टेंथ के अंदर जरूर आता है, टेंथ की इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपने ये इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी, तो आपने देखा कि उसके अंदर ग्राफ कैसा आ रहा था, स्ट्रेट आ रहा था, तो एक स्ट्रेट कैसे आया, आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कीजिए, तो y की जगह क्या वैल्यू है यहाँ पर v है, स्लोप की जगह क्या है r है, और x की जगह क्या है i है, तो ये इक्वेशन दोनों मैच कर रही है, दोनों एक जैसे लग रही है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का बिहेवियर कैसा है, एक जैसा है, ऊपर वाली इक्वेशन किसको शो करे, स्ट्रेट लाइन को शो करे जो कि ओरिजिन से पास आउट होगी, तो ये भी तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, तो जब आप ग्राफ बनाते हैं v और i के बीच में, v क्या है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब आप वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाते हैं आप, तो स्ट्रेट लाइन ही तो आता है, कैसा आता है स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, बट स्लोप तो वेरी कर सकता है जैसा कि मैंने बताया, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया है v और i के बीच में, तो देखिए ये रिलेशन है, मीन्स तभी तो हम कह रहे थे ग्राफ क्या बताते हैं, दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन को शो करते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, i के, तो ये तो रिलेशन शो किया, वो कहां से पता चला हमें इस स्ट्रेट लाइन से पता चल गया, हमने एक्सपेरिमेंटली इसको स्टडी किया, वोल्टेज को बढ़ाया तो हमने देखा कि करंट भी बढ़ रहा है, तो हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने से हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन आई हमारे ग्राफ और ओरिजिन से पास आउट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी इक्वेशन कैसी आएगी, कुछ इस टाइप से इक्वेशन आएगी और ओरिजिन से पास आउट कर रही है, तो अब देखिए यहाँ पर इस टाइप से इक्वेशन आई है, तो इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसा रिलेशन होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो एक ग्राफ की एक एप्लीकेशन है कि ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन भी बताता है, आप ग्राफ की एप्लीकेशन में यहाँ पर एक और बात सीख सकते हैं कि जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे हम, तो स्लोप किसकी वैल्यू देगा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट कौन सा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है ना, कॉन्स्टेंट है ना, तो जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, आप कहोगे सर कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैसे दी, देखिए एम क्या है यहाँ पर, स्लोप ही तो है, अगर एम स्लोप है तो इस इक्वेशन के अंदर आर क्या होना चाहिए, स्लोप नहीं होना चाहिए, तो भी तो स्लोप ही होगा, तो अगर आप इस लाइन का स्लोप निकाल लें बी और आई के ग्राफ में, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स ये है कि स्लोप जो है लाइन का ग्राफ के अंदर वो किसी फिजिकल क्वांटिटी या कॉन्स्टेंट की वैल्यू देता है, ठीक है, मीन्स उसे हमें किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू मिल सकती है उसके स्लोप से, या फिर किसी अनदर क्वांटिटी की वैल्यू मिल सकती है, तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया जस्ट आपको कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि कहां से पास आउट हो रही है, ओरिजिन से पास आउट हो रही है, तो उसकी टाइप से इक्वेशन हो सकती है। अगर थर्ड टाइप की इक्वेशन पढ़ते हैं y is equal to minus mx plus c, इस टाइप की इक्वेशन हो सकती है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास स्लोप क्या है, डिक्रीज कर रहा है ना, नेगेटिव में है, तो इसका मतलब स्लोप उसका नेगेटिव है, तो हमारे पास स्लोप डिक्रीज होएगा, क्या होएगा डिक्रीज होएगा, तो इस केस में देखिए कि अगर x जीरो हो, x जीरो हो तो y किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल आएगा, कब, जब x जीरो हो, तो इसका मतलब क्या है कि x इस केस में जीरो होगा, यहाँ पर ओरिजिन पर जीरो होगा ना, तो बट y क्या है, y की कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ पर, हम मान लेते c वैल्यू है,
क्या वैल्यू यहाँ पर सी वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई ना कोई। तो अगर ऐसा है तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा इस इक्वेशन के लिए, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में और पहले वाली इक्वेशन में यही डिफरेंस है कि इस इक्वेशन में जो स्लोप है वो क्या है डिक्रीजिंग में है, किसमें है डिक्रीजिंग में। तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा स्टूडेंट्स, इस टाइप से ग्राफ बन गया इसका, देखो ये ग्राफ बन गया इसका ठीक है। स्लोप क्या है यहाँ पर डिक्रीजिंग में, पहले वाले में स्लोप क्या था इंक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव स्लोप था, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ इस टाइप से बनेगा। तो अब आप कहेंगे सर ये ऐसे ही क्यों बना, ये तो ठीक है कि जब हमारे पास x जीरो था तो y की कोई ना कोई वैल्यू आई जो कि c है। तो अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए जब y जीरो होगा क्योंकि इस ओरिजिन पर क्या है इस ओरिजिनल लाइन के ऊपर y की वैल्यू जीरो होगी, तो अब हम कह देते हैं y जीरो है, y क्या है जीरो है। तो y अगर जीरो है तो इक्वेशन क्या बनेगी माइनस एम एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है एम एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा c के इक्वल हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू होगी इस केस में c by m, क्या वैल्यू होगी c by m। तो देखिए x की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है कब जब y जीरो है, तो x के यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी c by m, तो x की ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ठीक है। तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा, इसका स्लोप कैसा है स्लोप डिक्रीजिंग में नेगेटिव स्लोप है इसका, मीन्स हमारा स्लोप घट रहा है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन भी हो सकती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर कॉन्स्टेंट जीरो हो तो उस केस में क्या बनेगा, वो भी केस है। तो फोर्थ केस क्या है इसका, इफ सी इज इक्वल टू जीरो, सी अगर जीरो है इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स, मीन्स हमारी इक्वेशन किससे पास होगी ओरिजिन से पास होगी, किससे पास होगी ओरिजिन से पास होगी ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि y की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव तो y की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव आएगी। तो हमारा स्लोप कैसे आएगा उस केस में, देखिए हमारा स्लोप कैसे आएगा कि अगर हमारा x की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है बट y की वैल्यू कैसी आएगी नेगेटिव, तो y नेगेटिव किस तरफ होगा, देखिए y की वैल्यू पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ होंगी और नेगेटिव किसकी तरफ होंगे जो नीचे की तरफ है ना। तो ये y की नेगेटिव वैल्यू है बट इस साइड तो पॉजिटिव वैल्यू है x की। तो इस टाइप पे क्या आएगा कि इसमें से एक बात तो क्लियर है कि हमारा जो ग्राफ है हमारी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो कहां से पास आउट होगी ओरिजिन से पास होगी, कहां से पास होगी ओरिजिन से पास होगी। तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, इस टाइप से आएगा, मीन्स x की वैल्यू तो पॉजिटिव है बट y क्या है नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, y क्या कर रहा है नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। तो हमारा ग्राफ क्या आएगा उसको नीचे की तरफ आएगा ठीक है। तो इस साइड तो x की नेगेटिव वैल्यू होती है ना और इस साइड y की नेगेटिव वैल्यू होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यू है। तो x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ग्राफ कैसा है हमारा वैल्यू y की नेगेटिव वाली, तो ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए x की नेगेटिव वैल्यू है, x की नेगेटिव वैल्यू तो ये भी नेगेटिव, तो y की कैसी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हमारा ग्राफ क्या जाएगा, इसको पीछे की तरफ आप प्लॉट करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो हमारा ग्राफ ये हो जाएगा उस केस में अगर x नेगेटिव है, x नेगेटिव तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी इस इक्वेशन से, तो ओरिजिन से ही पास होगा ठीक है। तो आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे कैसे हो सकता है कि ओरिजिन से कब पास करेगा और कब नहीं पास करेगा ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो और c की वैल्यू जीरो है तो डेफिनेटली वो ओरिजिन से पास करेगा ठीक है, अगर कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ पर c की वैल्यू जीरो नहीं है तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया स्ट्रेट लाइन का बेस कर दो आर आई इक्वेशन से, ओम्स लॉ से मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। तो अब देखिए कुछ और इक्वेशन हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पर्टिकुलर एक इक्वेशन ली थी स्ट्रेट लाइन की, कैसी इक्वेशन ली थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली थी हमने। अब देखिए इक्वेशन जरूरी थोड़ी है स्ट्रेट हो, स्ट्रेट लाइन की होगी मतलब हमारे पास कुछ भी इक्वेशन हो सकती है ठीक है। तो अब हम दूसरी इक्वेशन को पढ़ेंगे, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट हमारे पास कैसी इक्वेशन हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो, जरूरी तो नहीं है। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास अगर है ये, हम मान लेते हैं यहाँ पर y is equal to k x square, इस टाइप की इक्वेशन है कि y कैसी हो k यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट है x square, मीन्स अगर y की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k into x हो जाएगी, y की वैल्यू 2 है तो इसकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ये ओरिजिन से लाइन पास आए इस टाइप से ठीक है। एक साइड तो ये बना दिया मैंने और इसको हम एक्सटेंड करते हैं, ये y डैश और ये x डैश, इस टाइप से एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ से भी क्या होगा हमारा ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन है ठीक है। तो ये कैसा कैसी शेप है, पैराबोलिक शेप है, कैसी शेप है
पैराबोलिक शेप है बच्चों ये, तो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि दो क्वांटिटी उनके बीच में कैसा रिलेशन है, इस टाइप से रिलेशन है कि ये कोई कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से क्यों पास होगी, जब एक्स की वैल्यू जीरो हो तो वाई की वैल्यू तो जीरो होगी, तो इसका मतलब ये किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, और इनका रिलेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स है, तो उस टाइप से क्या हो जाएगा, उस टाइप के ग्राफ कैसा बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, के एक्स के इक्वल है वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो उस टाइम पे कैसा ग्राफ बनेगा, उस टाइम पे ग्राफ ऐसा बन जाएगा, है तो पैराबोला ही और ओरिजिन से पास होगा, बट ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा ये, यहाँ पर रिलेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, तो है तो पैराबोला की इक्वेशन ही है। तो इस टाइप की अगर इक्वेशन आपको मिल जाए तो कैसी इक्वेशन होती, पैराबोला की इक्वेशन होती है, हम उस जगह पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ पैराबोलिक पाथ का, जब हम क्या करते हैं किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं किसी भी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी पर्टिकुलर एंगल से, हॉरिजॉन्टल लाइन के तो किसी एंगल से हम फेंकते हैं, तो कैसा पाथ कवर करती, मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंके तो कैसा पाथ कवर करेगी, वो ऐसा पाथ तो कवर करेगी, ठीक है। तो ये आगे की तरफ जाएगा, इसको दोबारा हम बना लेते हैं स्मॉल एंगल से, तो इस टाइप से पाथ कवर करेगी, तो ये कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है, कैसा पाथ है, पैराबोलिक पाथ है। तो उस इक्वेशन में आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप की जो हमने इक्वेशन यहाँ पे देखी वैसी इक्वेशन आएगी, तो ये पैराबोलिक पाथ है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो भी कैसा पाथ कवर करती हो, पैराबोलिक पाथ कवर करेगी वो, ठीक है। तो उस इक्वेशन में भी हमारे पास पैराबोलिक पाथ आता है, तो पैराबोला की इक्वेशन थी हमारे पास ये। अब देखिए कि इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन डिवाइड बाय ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो ये है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो इस टाइप से इक्वेशन हो, तो किसकी इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन है इलिप्स की, किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, इलिप्स आपने देखा है, तो यहाँ पर बनाता हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक दोबारा बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वो स्ट्रेट लाइन के लिए बनाया है मैंने, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये किसकी इक्वेशन बनेगी, इलिप्स की इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर क्या है, ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी के इक्वल नहीं है, तो किसकी इक्वेशन बनेगी, इलिप्स के दो केस बताऊंगा मैं जहां पर ए बी के इक्वल नहीं है। तो अब देखिए अगर इक्वल नहीं तो कैसी इक्वेशन है ये, इलिप्टिकल, इलिप्स की इक्वेशन है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, इलिप्स बनेगा, क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, ठीक है। तो ये इलिप्स बन गया यहाँ पर, ये आपका मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए क्या है यहाँ पर, सेमी मेजर एक्सिस, क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, तो यहाँ पर ए बड़ा है इस केस में, क्या है, ए बड़ा है बी से, तो ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, और बी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। तो ए इसी इक्वेशन के अंदर एक स्पेशल केस आ जाए, यहाँ पर तो हमने लिया कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या लिया बच्चों यहाँ पर, कि ए बी के इक्वल नहीं है। अगर मान लीजिए ए बी के इक्वल हो जाए, ए बी के इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, मीन्स ये ए है इस बी के इक्वल हो जाए, तो मीन्स जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन पहले हम मैथमेटिकल देखेंगे फिर इसको ग्राफिकल देखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, देखो मैथमेटिकली आप देखो, अगर ए बी के इक्वल है तो बी की जगह मैं ए लिख दूं यहाँ पर, तो ए ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो एलसीएम लेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन किसकी होगी, सर्कल की, इक्वेशन किसकी होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी, और ए क्या डिनोट करेगा यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल, ए क्या डिनोट करेगा यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब आप कहेंगे सर सर्कल की इक्वेशन कैसे, ये इलिप्स की इक्वेशन थी बट यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, अब देखिए जितना ए है उतना ही यहाँ पर बी है, तो अब देखिए हमारे पास ये शेप कैसी हो जाएगी, आप बनाकर ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पर, तो आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए जितना हमने यहाँ पर ए लिया है अगर उतना ही बी लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, सर्कल ही तो बनेगा, क्या बनेगा, सर्कल बनेगा यहाँ पर, जितना ए है उतना ही बी है, तो इक्वेशन किसकी हो जाएगी, ये इक्वेशन किसकी हो जाएगी, सर्कल की। तो अगर इस टाइप से आपको इक्वेशन नजर आती है तो किस टाइप किसकी इक्वेशन होती है, वो सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए क्या डिनोट करेगा यहाँ पर, रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या डिनोट करेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इक्वेशंस थी
जो हमें 11th और 12th के अंदर रिक्वायरमेंट थे जिनकी, तो इसलिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है ग्राफ्स के, कि आपको ग्राफ को कैसे स्टडी करना है। तो ये तो मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में बताया है कि इक्वेशन है तो किस टाइप से हमारी शेप बन सकती है, ठीक है। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो इलिप्टिकल बनेगी, अगर ऐसी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सर्कुलर शेप बन जाएगी, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर टू एम एक्स प्लस सी है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगी, अगर सी जीरो नहीं है तो हमारे पास ओरिजिन से पास आउट नहीं होगी स्ट्रेट लाइन, अगर जीरो है तो ओरिजिन से पास हो जाएगी। एग्जांपल भी मैंने आपको दिए। अब देखिए कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड, कि ग्राफ हमें क्या बताते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा कि देखो बच्चों ग्राफ जो है, अगर हम ग्राफ के अंदर स्लोप निकाले तो स्लोप निकाले तो क्या बताता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताएगा या कॉन्स्टेंट की वैल्यू देगा। जैसे आ रही है उसमें जो स्लोप था उससे हमें किसकी वैल्यू मिली, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली। सिमिलरली हमारे पास जो इंटरसेप्ट वगैरह है वो भी क्या करते हैं, वाई इंटरसेप्ट हो या फिर एक्स के ऊपर इंटरसेप्ट हो तो वो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को बताएंगे या फिर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू देंगे। दूसरा क्या है इसकी एप्लीकेशन, तो हम यहाँ पर इसको एक तो हम लिख देते हैं कि हमें इससे क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट की वैल्यू या फिर फिजिकल क्वांटिटीज की हमें जानकारी मिलेगी, उससे हेल्प मिलती है फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो पहली तो इसकी एप्लीकेशन ये है ग्राफ की, इससे हमें क्या मिल सकता है, कॉन्स्टेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मिल सकती है, तो एक यूज है इसका बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है हमारे पास कि हम इसको एक्सपेरिमेंटल डाटा को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक थ्योरेटिकल इक्वेशन है, मीन्स जो हमने सिर्फ कैलकुलेशन से प्राप्त की है, मान लीजिए हमारे पास थ्योरेटिकल इक्वेशन है, बट जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद जब हमने ग्राफ बनाया तो हमारी इक्वेशन कैसी आई, मान लीजिए हमारा जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से आया, मीन्स यहाँ तक तो ये मैच कर रहा था बट यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो है इससे मैच नहीं कर रहा था, मीन्स हमारा जो थ्योरेटिकल डाटा है वो कितना मैच कर रहा है एक्सपेरिमेंटल डाटा से, एक्सपेरिमेंटल डाटा से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा को कंपेयर करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं ग्राफ की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्मॉल वैल्यूज के लिए तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डाटा हमारा क्या है, सही है, सेम है लगभग, ठीक है। तो मीन्स हमने जो थ्योरी किसी चीज के लिए बनाई थी वो ठीक है यहाँ पर, अगर एक्सपेरिमेंटली वो प्रूव हो रही है, बट यहाँ पर क्या है कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटली हायर वैल्यूज के लिए वेरीफाई नहीं हो रही है, तो मीन्स एक्यूरेट नहीं है हायर वैल्यूज के लिए, हमारी थ्योरी एक्यूरेट नहीं है। तो आप एक्सपेरिमेंटल डाटा की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ग्राफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट करना हो, एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसको फाइंड आउट करना हो, तीसरी आप एप्लीकेशन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्लोप होगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, स्लोप है किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो इंटरस्टेनियस वैल्यू देगा, क्या देगा, इंटरस्टेनियस वैल्यू को देगा। जैसे यहाँ पर कॉन्स्टेंट और फिजिकल क्वांटिटीज है ना, तो सिमिलरली जो है आप स्लोप निकालेंगे किसी भी लाइन के ऊपर तो क्या देगा, इंटरस्टेनियस वैल्यू देगा उस फिजिकल क्वांटिटी की। तो अब देखिए, या फिर आप कह सकते हैं एप्लीकेशन क्या है कि जो एरिया है अंडर द कर्व वो भी फिजिकल क्वांटिटी को हमारे में हेल्प करती है, उसको फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने में। मान लीजिए कि ये आपकी वेलोसिटी है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर टाइम है यहाँ पर वेलोसिटी है, तो आप देखिए वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, तो इस ग्राफ के अंडर का एरिया जो है, अंडर द ग्राफ जो एरिया होगा वो किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की। तो मान लेते हैं टी वन से लेकर टी टू तक की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपका टी वन है और ये आपका टी टू है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया ये किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की। तो एरिया अंडर द कर्व भी फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो ये ग्राफ से कुछ इस टाइप से हमें हेल्प कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डाटा को हमें वेरीफाई करना हो, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना हो, या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटी या कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, या फिर दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें जानना है कि उनके बीच का रिलेशन क्या है, तो उसको रिलेशन को हमें फाइंड आउट करने के लिए, रिलेशन को जानने में ग्राफ क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो अब ग्राफ को कैसे स्टडी करना है वो देख लेते हैं कि लाइन अगर कैसे पास आउट हो रही है तो उसको आप कैसे स्टडी करेंगे, तो थोड़ा सा वो सीख लेते हैं यहाँ पर, बाकी प्लस वन और टू के लिए इतना काफी है जितना हमने पढ़ाया। तो अब देखिए यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आपका ग्राफ इस टाइप से है तो इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा और यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है,
तो अब ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा है, इसका मतलब कैसा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्मली चेंज्ड हो रहा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म। और यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे हम एक्स को बढ़ा रहे हैं वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक पॉइंट पर एक्स के एक पॉइंट पर वाई की वैल्यू क्या होगी, सैचुरेट होगी, मीन्स वाई की वैल्यू अब नहीं बढ़ेगी, एक्स की वैल्यू कितनी बढ़ा दो बट वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये ग्राफ क्या हो रहा है, एक्स के बढ़ाने के साथ साथ वाई की वैल्यू बढ़ रही है, बट एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर वाई की वैल्यू अब नहीं बढ़ेगी, सैचुरेट होगी वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितना ही बढ़ा दो अब चेंज नहीं होगी। तो इस ग्राफ से आप इसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि एक क्या शो कर रहा है। अब देखिए इस टाइप का एक और हम ग्राफ ले लें, अगर आपको ग्राफ मिल जाए इस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ मिल रहा है, तो अब देखिए इस टाइप के ग्राफ में आप क्या स्टडी करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि शुरू में क्या हो रहा है कि एक्स की और वाई की वैल्यू स्लोली हमने बढ़ाई, तो एक्स के साथ वाई की वैल्यू बढ़ रही है, और धीरे धीरे क्या होगा कि एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट एक पॉइंट आएगा यहाँ पर जहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी किसी एक्स की वैल्यू के लिए। अब देखिए एक्स की वैल्यू को घटाते हैं तो वाई की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो आप इसको ऐसे जान सकते हैं कि शुरुआत में क्या था कि एक्स की वैल्यू के साथ साथ वाई की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, बट फाइनली एक पीक आया हमारे पास, उस पीक पॉइंट के बाद वाई की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई, घटना शुरू हो गई। तो इस ग्राफ को आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ को स्टडी करना बहुत जरूरी है, अगर ग्राफ को स्टडी नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटल डाटा की एक्यूरेसी को हम नहीं जान पाएंगे, या फिर अगर आप ग्राफ को पढ़ना जानते हैं तो आप किसी भी टॉपिक को बहुत हद तक समझ सकते हैं, अगर आपने ग्राफ को समझ लिया है तो। ग्राफ को समझना बहुत जरूरी। कुछ और शेप्स देख लेते हैं हमारे पास कि किस टाइप की शेप हो सकती है ग्राफ की। तो मान लीजिए एक्स ये वाई है, तो आपको इस टाइप की शेप भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिक्रीजिंग की एक्स की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो शेप आपको डिफरेंट टाइप की शेप्स मिल जाएंगे, अलग अलग ग्राफ देखोगे तो शेप आपको बहुत सारी मिल सकती हैं, बस आपको उनको स्टडी करना है। तो इस टाइप से आपको शेप मिल जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। ये भी ग्राफिकल ग्राफ है, तो इस टाइप की भी शेप मिलेगी। इसका मतलब ये है कि शुरू में एक्स जीरो था तो वाई कोई ना कोई पीक वैल्यू थी यहाँ पर, बट हमने एक्स को बढ़ाया तो वाई की वैल्यू घटना शुरू हो गई, और एक पॉइंट पर वाई जीरो हो गया, फिर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई की वैल्यू फिर बढ़ना शुरू होगी, और एक पॉइंट पर पीक आ जाएगी वाई की वैल्यू, अब एक्स को बढ़ाएंगे तो घट जाएगी और वापस जीरो हो जाएगी। तो इस टाइप का ग्राफ भी आपको देखने को मिलेगा 12th क्लास के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे ग्राफ है जो आप स्टडी करेंगे 11th के अंदर और 12th के अंदर। तो अब शायद आप इन ग्राफ को समझ गए होंगे कि कैसे हमें इनको रीड करना है और कैसे इनको हमें देखना है कि एक्स के साथ वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या फिर कॉन्स्टेंट है। तो ये बहुत हद तक हेल्प करते हैं किसी भी टॉपिक को समझने में। तो आज के लिए इतना ही। तो अब देखिए हमने मैथमेटिकल टूल के अंदर दो टॉपिक पढ़ लिए, बायनोमियल्स और पढ़ लिए, हमने ग्राफ्स को स्टडी कर लिया है। अब हमारे पास तीन टॉपिक बचते हैं बेसिकली, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन। तो इनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। अगर आपने बायनोमियल्स और उनका लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। ये मैथमेटिकल टूल ऐसा है जो आपको पूरे 11th में और 12th में फिजिक्स को बहुत हद तक समझने में हेल्प करता है। अगर आपका मैथमेटिकल टूल आपने नहीं पढ़ा है तो आप, हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, बट अगर आपने मैथमेटिकल टूल्स में कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े हैं तो स्मूथली आप पूरी फिजिक्स को कवर कर लोगे, ये हमारा मानना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस मैथमेटिकल टूल की सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे। थैंक यू।